ताली मारो, ताली मार दो भाई, ताली मार दो। अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टेबल पर इस समय बर्गर ही बर्गर दिख रहा है, तो इसका मतलब आज बर्गर का खाने का चैलेंज है। तो आज हम बर्गर खाने का चैलेंज लेकर आए हैं गोवर्धनपुर ग्राम सभा में, जो कि ब्लॉक बहरिया में लगता है, प्रयागराज जिला ब्लॉक बहरिया में एक ग्राम सभा है गोवर्धनपुर। और इस गोवर्धनपुर में मोनू जी की दुकान है जो नहर के किनारे लगी रहती है, तो वहां पर हम लोग बर्गर का चैलेंज लगाए हुए हैं। तो पवन जी से मिलते हैं, इसका टर्म और कंडीशन बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम मोनू जी के दुकान पर ही यह चैलेंज कराते। मोनू जी के दुकान सड़क के पास है, वहाँ दर्शकों की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा साइड में लेके आए हैं और यहाँ पर चैलेंज करा रहे हैं। और चैलेंज की कंडीशन ये है कि एक मिनट में दो बर्गर कंप्लीट करना है। जो दो बर्गर कंप्लीट कर लेगा उसको 300 रुपए का नगद कैश दिया जाएगा। तो देखते हैं इस बर्गर ईटिंग चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कितनी देर में दो बर्गर कंप्लीट कर पाता है, या दो बर्गर कंप्लीट कर पाता है या नहीं कंप्लीट कर पाता है। आप लोग भी देखिए और हम देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने जो है टर्म और कंडीशन बताया। तो एक बार हम फिर से दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि एक मिनट में दो बर्गर खाने पर 300 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और हमारा टर्म कंडीशन यही रहेगा कि अगर बर्गर खा रहे हैं, जिनको बर्गर खाने से नुकसान होता है, तो वो हमारे चैलेंजिंग वीडियो में चैलेंजर के रूप में न आए। जो बर्गर खा सकते हैं वही आए, क्योंकि इसमें चैनल की कोई गारंटी नहीं रहेगी। आप अपने रिस्पांसिबिलिटी पे हमारे चैलेंज में आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो रही है, तो आप आधा बर्गर खाए हैं, एक बर्गर खाए हैं, डेढ़ बर्गर खाए हैं, कितने भी खाए, वहाँ से आप क्विट कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मोनू जी से बोल दीजिए कि चटनी की भी व्यवस्था जरूर कर दें। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर चटनी भी लग चुकी है, बर्गर भी लग चुका है, और बर्गर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा भी है। तो जैसे कि सभी दर्शक देख रहे हैं, यहाँ पर चटनी सज चुकी है, बर्गर सज चुका है, और खाने वाले हमारे वीर भी एक नहीं हजारों वीर यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन हमारा चैलेंजर होता है, कौन वीर निकल कर हमारा इनाम लेता है। एक मिनट में दो बर्गर खाना है, और जो बंदा खा लेगा उसे 300 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कंप्लीट कर पाता है। तो देखते हैं कि हमारे इस चैलेंजिंग वीडियो में सबसे पहला चैलेंजर कौन आता है, और वो पूरा हमारा चैलेंज स्वीकार करके जीत जाता है कि केवल बर्गर खा के चला जाता है। तो पवन जी, चैलेंजर को उतारिए। तो जैसे कि देख रहे हैं, हमारे पहले चैलेंजर के रूप में आ चुके हैं। तो हम भैया जी से थोड़ा सा परिचय लेंगे। क्या नाम है भैया? पिंटू। पिंटू इलाहाबादी। कहाँ के निवासी हैं? सराय खानदेव से चल कर आए हुए हैं, गोवर्धनपुर में चैलेंज स्वीकार किए हैं, और एक मिनट में दो बर्गर खा लेंगे तो आपको 300 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो पवन जी, क्या लगता है कि पिंटू जी खा लेंगे? पिंटू जी खा लेंगे, जरूर खा लेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड भी है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बाहर चला जा रहा है, और ये जाने पर क्या होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम पवन जी कहेंगे कि पिंटू, हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, इधर मत देखिए आप। अरे तू चालू पिंटू जी, पवन जी, उनका जिन देखा, तू अपन काम कर, टाइमर पे ध्यान देंगे। तो हम चाहेंगे कि पवन जी, टाइमर स्टार्ट हो गया है आपके लिए। पिंटू जी, आप जो है खटाखट, गजब यार, देखिए ये चीज ना करिए भाई, कोई चीज निकलना नहीं चाहिए उसमें से, आप बस खींचते जाइए बस। ये पिंटू इलाहाबादी जी को हम जहाँ तक जानते हैं, ये टुक टुक चलाते हैं, इनके पास टुक टुक है। जिन भाइयों को आवश्यकता हो, पिंटू जी से संपर्क करें और टुक टुक की सेवा लें। आपका बर्गर खत्म होने के उस पे है, ये प्याज और टमाटर भी खाता है। ये प्याज टमाटर अलग से खा लेंगे, उसकी बात नहीं है। चलिए चलिए पिंटू जी, और स्पीड बनाइए। पिंटू जी हलबुला गए, हम जान गए कि पिंटू जी थोड़ा सा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 10 सेकंड बचा है पिंटू जी। चलिए एक बर्गर का नाश्ता तो कर रहे हैं, कैसे देखिए, हम थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कैसे मुस्कुरा के खा रहे हैं। अच्छा पिंटू जी इधर से जा रहे थे, सोचो इलाहाबादी जी के
चैलेंज लगा हुआ है, नाश्ता करते हुए चले। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी चैनल भी है पिंटू इलाहाबादी जी, और हम ये कहेंगे पवन जी कि कभी फिर अगर मौका मिले तो चैलेंज में जरूर आइएगा। चलो आप चैलेंज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, बहुत गजब का मुस्कान कर दिखे रहे हैं। क्या नाम है भैया जी? अमित पटेल। अमित पटेल कहाँ के निवासी हैं? गोवर्धनपुर। गोवर्धनपुर की धरती से अमित पटेल जी भी हैं, और ये देखिए बर्गर को देख भी रहे हैं बहुत आराम से। तो भैया जी एक मिनट में आपको दो बर्गर खाना है, खा लेंगे ना? खा लेंगे, ठीक है पवन जी, आप अमित जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए। एक दो तीन पे चालू करिए भैया, स्टार्ट हो गया है आपके लिए बर्गर, गजब के यार। अगर खाना हो तो वैसे ही खाना चाहिए, चैलेंजर हो तो वैसे ही। कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी 19 सेकंड हुआ है एक बर्गर समाप्त होने की। आ गए लाइन में, आ गए, जीत गए अमित जी आप, यार बहुत गजब के आप खा रहे हैं। आज का चैलेंज भाई साहब ही बीट कर पाएंगे। थोड़ा सा आप स्पीड बना लीजिए, और पानी देखिए, पानी नहीं पीना है, पानी पी लेंगे तो हमारे चैनल से आप जो है चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। आप खा लीजिए, नहीं खा पाते हैं तो जाके आराम से पानी पीजिए। 42-45 सेकंड हो चुका है, 15 सेकंड आपके पास बचा है, इस समय आपके पास 10 सेकंड बचा हुआ है। बहुत समय है यार, अभी तो तीन अभी दोस्त खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खा पाएंगे, आपके लिए समय समाप्त होता है अमित जी। लेकिन जो बर्गर उठाए हैं, नहीं है, आप आराम से खा लेना, आप हौसला। तो अमित जी आप हमारे चैनल में आए, हमारा चैलेंज स्वीकार किए, और एक से ज्यादा बर्गर खाए हैं भाई, एक से ज्यादा खाए हैं यार, ताली बजा दो कम से कम इनके लिए। ये देखिए अमित जी के लिए ताली बजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे, आ जाइए पानी पी लीजिए। तो पवन जी क्या लगता है कि ये जो बर्गर चैलेंज है कोई जीत पाएगा इस गोवर्धनपुर धरती पे, कोई ऐसा भी है? अभी काफी सारे चैलेंजर यहाँ खड़े हुए हैं, देखते हैं कौन कंप्लीट कर पाता है। अभी टाइम बहुत है हमारे पास, बर्गर भी बहुत है, और बर्गर का ऑर्डर दे दिया हमने, तो देखते हैं कितने बर्गर में यह चैलेंज कंप्लीट हो पाएगा। हाँ भाई देखिए, धरती वीरों से खाली नहीं है ये गोवर्धनपुर है, गोवर्धन मतलब श्री कृष्ण जी के हाथों पे जो था गोवर्धन पर्वत, उसी के नाम से इस गाँव का नाम गोवर्धनपुर रखा गया है, और इस गोवर्धनपुर में एक नहीं हजारों वीर पैदा हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला चैलेंजर कौन आता है, चैलेंज पर्वत कौन उठाता है, बर्गर का पर्वत कौन उठाता है, दो बर्गर का पर्वत है गोवर्धनपुर का, तो ये पर्वत कौन उठा के खड़ा करता है? तो ये देखिए भैया जी अगले चैलेंजर के रूप में आए हुए हैं, बर्गर लेके तैनात हो गए, पहले बर्गर ले लिए हैं, और चटनी में देखिए गजाका बोर भी लिए हैं, और हमको लग रहा है इनके हंसी से लग रहा है कि ये सबको पीछे भी छोड़ सकते हैं। तो क्या नाम है भैया जी आपका? प्रिंसू। पूरा प्रिंसू दुबे। प्रिंसू दुबे जी कहाँ के निवासी हैं? हटिया ग्राम सभा, जो कि भवानीगढ़ भी लगता है, ये दोनों ग्राम सभा एक में हुए, और ये प्रियांशु जी आपको पता है ना कि एक मिनट में दो बर्गर खाना है, अगर खा लेते हैं तो आपको 300 रुपए का इनाम मिलेगा, नहीं खा पाते हैं तो जो खा रहे हैं वो बर्गर आपको फ्री में है। तो चलिए पवन जी प्रियांशु के लिए स्टार्ट करिए, टाइमर स्टार्ट हो गया है, तो इनका मुंह भी स्टार्ट हो गया है, गजब। अरे वो जैसे खा रहे हैं खाने दीजिए, खा भैया जी, कोशिश करिएगा कि बर्गर का कोई ऐसा मटेरियल ना हो, निकल के बाहर चला जाए। ताली मारो, ताली मार दो भाई, ताली मार दो, गजब। एक बर्गर 21 सेकंड में एक बर्गर समाप्त हो गया है, अब दूसरा बर्गर पहले बर्गर से टक्कर लेने के लिए पहुंच गया मुंह में। भाई बहुत सही, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चटनी का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो चीज चाहिए जीतने बर्गर चैलेंज में, जो चीज जीतने के लिए रखा गया था उसका उपयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत सही भाई, 10 सेकंड डालिए, पूरा डाल दीजिए, आराम से जीत जाएंगे, आराम से खाइए, जीत जाएंगे। अरे पूरा डाल दो, 59 सेकंड
सेकंड में कंप्लीट कर दिया है। 59 सेकंड में जीतने वाले हैं भैया जी। एक बार फिर से नाम बताइए दोस्त से। नाम नहीं बता पा रहे हैं। इनका नाम अमित जी है जो कि बहुत अच्छे चैलेंज के रूप में जो है हमारे चैलेंजर के रूप में आए हैं। और दो बर्गर केवल 59 सेकंड में, एक मिनट कम था, एक सेकंड कम था एक मिनट होने में, तभी ये बर्गर को पूरा का पूरा अंदर कर गए। पता नहीं बर्गर सरक गया कि बर्गर को ठेल दिए या बर्गर अपने आप खुद चल के इनके मुंह में चला गया और गजब का हंस रहे हैं। तो ये बताइए चला नहीं जाता, हम बहुत रिलैक्स और बहुत आराम से खा रहे थे इसको। देखिए हम तो देखिए जैसे कि अमित जी कह रहे थे कि हम 5 बर्गर खा लेते अगर अनलिमिटेड टाइम होता तो वास्तव में ये पूरा जितना बर्गर है साफ हो जाता, क्योंकि आज ये सुबह से हमको लगता है खाना नहीं खाए थे। अभी खा के आ रहे हैं। वाह यार, आपकी बहादुरी का दाग देना पड़ेगा। ये बताइए अमित जी, ये बर्गर खाने में कैसे मजा आया कि नहीं? मजा आया, बहुत मजा आया। प्रिंसो जी, तो ये सॉरी दर्शकों, हम अभी अमित ही समझ रहे थे। तो प्रिंसु जी, बर्गर खाने में मजा आया ना? बर्गर टेस्टी था कि नहीं? नहीं, इनके हम डेली बर्गर खाते हैं और बर्गर खाने ही आए। ओहो, तभी तो बर्गर खाने का अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास हो चाहे जैसे हो, कम से कम हमारे चैलेंजिंग वीडियो में जीते तो स्वीकार किया और विनर भी हुए हैं। इसके लिए हम चाहेंगे सभी दर्शकों से एक बार इनके लिए ताली मारे। ताली जोर से मारो यार। ये देखिए प्रियांशु जी के लिए ताली बज रही है। भैया जी बुलाए थे, जान गए थे कि प्रियांशु जी जीत जाएंगे। यहाँ पे बहुत दिग्गज भी लोग खड़े हैं, आप देख रहे होंगे। अशोक इलाहाबादी सुरेंद्र पटेल जी जो कि एक हस्ती है। तो पवन जी, हम चाहेंगे कि प्रियांशु को इनाम की राशि दी जाए। शाबाश, पैसा मिल गया। फिर से ताली बज गई प्रियांशु जी के लिए। एक बार पैसा गिन दीजिए दर्शकों के सामने। असली है ना आप? लेकिन असली मजा तो अब आपके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। तो पवन जी, आप इनको धन्यवाद दीजिए। आप हमारे चैनल पर आए, हौसला दिखाए और विनर भी हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चैनल डेली देखते हैं। अच्छा जी, जितना भी वीडियो आप डालते हैं फुल की चैनल, तो हम जैसे कि प्रियांशु जी जैसे आप दर्शक देख रहे हैं, वैसे हम फिर से एक बार सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करके हर वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो है एक इनाम रखे हैं। अगर जिस दिन 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक गिवे है 7,500 रूपए, अर्थात सौ डॉलर का इनाम दिया जाएगा। और जिस दिन 1,00,000 हो जाएगा, 1,000,000 हो जाएगा, उस दिन हम लोग एक अपाची देंगे। वो दोनों इनाम लकी ड्रा द्वारा निकाला जाएगा। तो हम चाहेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग तुरंत जाके मतलब अभी उस गिवे पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। इनका पवन जी का मतलब है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ नीली नीली एक लिंक है, उसको आप छुएंगे तो पहली लाइन जो है $100 का है और दूसरी लाइन जो है अपाची गाड़ी की है। 1,45,000 की अपाची गाड़ी है, डबल डिस्क है। कितना सीसी? 160 सीसी की गाड़ी है। वो लोग हम लकी ड्रा में जो निकलेगा उसको देंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग, जितने लोग हैं, कोई भी लकी हो सकता है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो है हमारे दर्शकों के लिए है जो हमारी वीडियो देखते हैं कंटिन्यूटी। आज तक आप लोग वीडियो देखते होंगे लेकिन इनाम कुछ नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो देखते रहिए। आप लोग में कोई भी लकी हो सकता है। तो प्रियांशु जी, आप हमारे चैनल में आए, हमारे चैनल का शोभा बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो बर्गर बचा है हम बच्चों में बांट देंगे, क्योंकि फूड वेस्ट नहीं करना है। तो पवन जी ठीक, आपकी जो सोच है उसको हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इनसे कहेंगे कि प्रियांशु जी हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? भैया जी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। भैया जी का चैनल बहुत ही जल्दी 1,000,000 पहुँचने वाला है। इसके उपलक्ष्य में भैया जी ने एक अपाची का गिवअवे रखा हुआ है, जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं लोग, बहुत ही प्रकार की यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। और भैया जी बहुत जल्दी इनका चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बहुत जल्दी इनका चैनल 1,000,000 पहुंचने वाला है और कोई भी विनर हो सकता है। भैया जी के चैनल पे कोई भी विनर हो सकता है और कोई भी अपाची जीत सकता है। तो हम
दर्शकों का प्रेम प्यार देख के ही अपाची बाइक रखे हुए हैं, आप लोगों का सपोर्ट देख के, आप लोगों का मतलब उत्साह देख के हमारे अंदर उत्साह आई है और हमने सोचा कि आप लोगों के उत्साह के लिए हम एक गिवअवे रखें, इसलिए मतलब हमने अपाची बाइक रखा हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट ज्वाइन कीजिए और ये बर्गर है जो हम फटाफट बच्चों को पहुँचाते हैं। तो ये देखिए जो बर्गर बचा हुआ है बच्चों को बांटा जा रहा है, क्योंकि हम लोग फूड वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और जैसे कि आप लोग हर वीडियो में देखते हैं, एक वीडियो में आपको मजा आया होगा कि जब प्याज का चैलेंज था तो बच्चों को पकड़ कर प्याज भी खिलाया जा रहा है, आप देखेंगे बहुत मजा आएगा। बच्चे प्याज के लिए बहुत तेज भाग रहे थे। और एक वो बूढ़े बच्चे को दे दो, ये लो बूढ़े बच्चे, ये लो भाई साहब, ये भाई साहब है जो भाई साहब को पकड़ के ले आए थे, ये लो जी इलाहाबादी जी, हमारा पुराना लंबड़ा है भाई, मोनू बर्गर कार्नर पे हमारा चैलेंज लगा हुआ था, हम लोग जो बर्गर खरीदे थे उसका पेमेंट करने चल रहे हैं। तो मोनू भाई आपको कितने पैसा हुआ बर्गर का? 600 रुपए। तो मोनू भाई की पेमेंट करते हैं जो भी हुआ है। तो यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।